रेल मंत्री ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को ट्वीट कर मजदूरों की लिस्ट मांगी, कहा जितनी ट्रेनें चाहिए उतनी उपलब्ध होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कल 125 श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएंगी, पहले की तरह खाली ट्रेनें ना चलने की इस बार उम्मीद। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा अचानक लॉकडाउन लगाना गलत था, अब इसे एकाएक खत्म नहीं कर सकते। भारतीय रेलवे ने अब तक देश में चलाई 2,818 श्रमिक ट्रेनें, आज पटरी पर दौड़ी 565 ट्रेनें। बिहार में आज 105 ट्रेनों से 1,73,000 माइग्रेंट्स पहुंचे, अब तक 11,72,000 से ज्यादा लोगों की घर वापसी हुई। दूसरे राज्यों से 23,00,000 लोग यूपी लौटे, लॉकडाउन के दौरान लोगों की घर वापसी हुई। यूपी में अब तक 1,113 ट्रेनें आ चुकी हैं। एमपी और राजस्थान से 2,00,000 लोग बसों से लौटे। प्रवासी मजदूरों को लेकर मायावती का बीजेपी कांग्रेस पर हमला, कहा दोनों पार्टियां घिनौनी राजनीति कर रही हैं। सरकार की अनदेखी से मजदूरों का पलायन लगातार जारी, मजदूरों की सुरक्षा के लिए देश में कोई सिस्टम नहीं। यूपी के मिर्जापुर में प्रवासी मजदूरों का ट्रेन रोके जाने पर हंगामा, प्रवासी मजदूरों ने जमकर नारेबाजी की। विदेश जाने वाले और दूसरे देशों से आने वालों के लिए एमएचए का एसओपी जारी, यात्रियों को पूरा किराया देना होगा। थाने में एएसपी ने मजदूरों को वापस भेजने का जिम्मा संभाला। ट्रांसपोर्ट की बसों से कर्नाटक, एमपी और छत्तीसगढ़ भेजे गए मजदूर। उड्डयन मंत्रालय ने आज सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ बैठक की, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एसओपी के बारे में बात हुई। उड़ान स्कीम के तहत भी फ्लाइट शुरू करने का फैसला लिया गया, नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। कल से देश में घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो रही है, पहले दिन 17 जोड़ी फ्लाइट पटना से उड़ान भरेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में रोजाना 25 फ्लाइट के टेक ऑफ और 25 फ्लाइट की लैंडिंग पर सहमति जताई, राज्य सरकार जल्द जारी करेगी गाइडलाइंस। महाराष्ट्र में घरेलू उड़ानों पर फंसा था पेच, आज उद्धव ठाकरे ने उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से तैयारी के लिए समय मांगा था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हवाई यात्रा शुरू करने का विरोध किया, कहा सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग से यात्रा की इजाजत देना गलत। कोलकाता एयरपोर्ट पर 25 से 27 मई तक विमानों का संचालन नहीं, 28 तारीख से रोजाना 20 फ्लाइट उड़ेंगी। सीएम भूपेश बघेल ने नागरिक उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा हवाई यात्रा करने वालों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य हो। घरेलू उड़ान के लिए यूपी सरकार की गाइडलाइंस जारी, यात्रा करने वालों को 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। फ्लाइट से एमपी में आने वाले सभी यात्रियों की स्कैनिंग की जाएगी, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर क्वारंटीन में भेजे जाएंगे यात्री। तमिलनाडु ने विमान यात्रियों के लिए जारी किया एसओपी, कहा तमिलनाडु ई पास पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद 14 दिन के होम क्वारंटीन पर रहना होगा। घरेलू उड़ानों के लिए तैयार गोवा एयरपोर्ट, आज एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,868 हुई, एक दिन के अंदर अब तक का सबसे ज्यादा केसेस, 24 घंटे में 6,767 नए मामले। देश में कोरोना का डेथ मीटर 3,867 पहुंचा, 24 घंटे में 147 मरीजों की मौत हुई, 24 घंटे में 2,657 मरीज ठीक हुए, अब तक 54,441 मरीज रिकवर हुए। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,041 केस सामने आए, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58 मरीजों की जान गई, मुंबई में टोटल केस 30,000 के पार। महाराष्ट्र के ठाणे में 309 और लोग पॉजिटिव, मरीजों की संख्या 5,387। महाराष्ट्र के अमरावती में 5 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, मरीजों की संख्या 157, अब तक 15 की जान गई। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा मॉनसून की वजह से कोरोना से जंग मुश्किल हो सकती है, लोगों को सावधान रहने की जरूरत। दिल्ली में कोरोना के 508 नए केस, मरीजों की संख्या 13,418। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा अभी पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध हैं, दुगुने बेड की व्यवस्था की जा रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा लॉकडाउन में दिल्ली सरकार की ओर से कोई ढील नहीं दी गई, कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन न होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। 24 घंटे में बीएसएफ के 2 जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई, बीएसएफ में कोरोना के 112 एक्टिव केसेस। कोरोना के तेजी से फैलने के बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, कहा दिल्ली से कोरोना पूरे देश में फैला है, मार्च में दिल्ली में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा भारत ने बिल्कुल ठीक समय पर लॉकडाउन किया, 135 करोड़ के देश को लॉकडाउन करना बोल्ड फैसला था। लॉकडाउन से पहले भारत में कोरोना का डबलिंग रेट 3 दिन था, आज भारत में कोरोना का डबलिंग रेट करीब 13 दिन है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा देश के कोरोना हॉस्पिटल्स में 2.5 लाख से ज्यादा बेड हैं, इस वक्त हॉस्पिटल्स में 10 लाख से ज्यादा बेड की व्यवस्था। देश में 599 लैब में कोरोना की टेस्टिंग, 24 घंटे में 1,10,000 कोरोना टेस्ट। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा नेपाल में पहला केस आने के बाद बॉर्डर के 5 राज्यों में स्क्रीनिंग शुरू हुई, समंदर के रास्ते आने वाले 48,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। यूपी में 6,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 2,493 एक्टिव केस। यूपी में अब तक 155 कोरोना मरीजों की जान गई, 3,433 लोग इलाज के बाद रिकवर हुए। गौतम बुद्ध नगर में आज 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मरीजों की संख्या 345 हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया, कहा सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। सीएम योगी ने कहा समय से लिए गए फैसले के कारण देश सुरक्षित हालत में है, सक्षम नेतृत्व की वजह से सफलता मिल रही है। सीएम योगी ने माना यूपी के रास्ते प्रवासी मजदूरों का पलायन बड़ी चुनौती रही है, उत्तर प्रदेश के सामने लॉकडाउन के दौरान कई चैलेंज सामने आए।
सीएम ने कहा लाखों कामगार सड़क के रास्ते पैदल पलायन कर रहे थे और प्रवासी मजदूरों के लिए 16,000 बसों की व्यवस्था की गई। सीएम योगी ने यूपी में मंत्रियों के अलग अलग समूह बनाकर जिम्मेदारी दी। प्रशासनिक अधिकारियों को 3 लेवल में बांटा गया। यूपी में मास्क न लगाने वाले 8,000 लोगों पर जुर्माना हुआ। अब जुर्माना वसूलने के बाद पुलिस 2 मास्क फ्री भी देगी। यूपी में 23 लाख प्रवासी मजदूरों को वापस लाया गया। सीएम योगी ने मजदूरों को काम दिलाने के लिए माइग्रेशन कमीशन बनाने का भी आदेश दिया। कोरोना काल में कानपुर से अच्छी खबर, 90% मरीज रिकवर हुए। 326 में से 294 मरीज घर गए। गुजरात में आज 394 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,063 पहुंचा। 29 लोगों ने आज दम तोड़ा। अहमदाबाद में कोरोना से मौत पर एएसआई को गौरव ऑनर मिला। अकेले अहमदाबाद में टोटल 10,280 मामले दर्ज हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 201 नए केस। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,300 के पार हुआ। अब तक 281 लोगों की जान गई। एमपी के इंदौर में 24 घंटे में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव। मरीजों की तादाद 3,000 के पार। एमपी के खंडवा में आरपीएफ थाने में तैनात एसआई की कोरोना से मौत हुई। 18 मई को लिया गया था सैंपल, आज इंदौर में मौत हुई। राजस्थान में आज कोरोना के 152 नए मामले। मरीजों की संख्या 6,894। बिहार में कोरोना से 60 साल के मरीज की मौत हुई। अब तक राज्य में बीमारी से 13 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में कोरोना के 87 नए केस। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,478। बिहार में क्वारंटीन सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर 15,036। 10,56,000 से ज्यादा लोग क्वारंटीन सेंटर में। 3 मई के बाद बिहार में 1,599 प्रवासी पॉजिटिव मिले। दिल्ली से आए 392 लोगों में कोरोना। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में ज्यादा संक्रमण। आज तीसरे दिन बिहार के सीएम ने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 8 जिलों के 16 क्वारंटीन सेंटर से बात की। उत्तराखंड में आज कोरोना के 73 नए मरीज आए। राज्य में कुल पॉजिटिव केसेस 317। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 9 नए मरीज। राज्य में कुल आंकड़ा 195। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 66 नए केस, आंकड़ा 2,780। तेलंगाना में कोरोना के 41 नए मरीज, 1,854 लोग संक्रमित। केरल में कोरोना के 53 नए केस। राज्य में मरीजों की संख्या 322। कर्नाटक में 130 नए कोरोना पॉजिटिव, मरीजों की संख्या 2,089। तमिलनाडु में 765 नए केस। कोरोना ने 8 और लोगों की जान ली। नामी कार कंपनी के चेन्नई प्लांट में कोरोना की दस्तक, 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 52 नए केस, 30 कश्मीर और 22 मामले जम्मू डिवीजन से आए। जम्मू कश्मीर में कुल 1,621 मरीज पॉजिटिव। अब तक 21 मरीजों की मौत हुई। कोरोना से मौत पर आरपीएफ जवानों को आर्थिक मदद मिलेगी। रेल सुरक्षा कल्याण निधि से 50 लाख की राशि परिवार वालों को दी जाएगी। यूपी में कोरोना मरीजों के मोबाइल फोन पर बैन का फैसला वापस। आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल पर पाबंदी का आदेश दिया था। गाजियाबाद में मास्क न पहनने और लॉकडाउन तोड़ने पर चालान कटेगा। 100 से 1,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बुरहानपुर में श्रमिक ट्रेन से आई गर्भवती ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम लॉकडाउन यादव रखा। शिवराज सिंह चौहान को एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने लेटर लिखा। कहा शिक्षकों और छोटे कारोबारियों को दिए जाएं हर महीने 6,000 रुपए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एमएसएमई सेक्टर को 2,789 करोड़ का लोन दिया। 1 लाख लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। दुनिया भर में 54 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। अकेले अमेरिका में 16.5 लाख से ज्यादा मरीज। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील, 3,49,000 के पार आंकड़ा पहुंचा। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,44,000 के पार। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 98,000 के पार। चीन के वुहान लैब ने कोरोना से जुड़े आरोपों से साफ इनकार किया। कहा वायरस से जुड़े दावों से छेड़छाड़ की गई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कोरोना के बाद दुनिया एक जैसा नहीं रहेगी और चीन आगे बढ़ना जारी रखेगा। पाकिस्तान में 54,600 से ज्यादा कोरोना केसेस। अब तक 1,133 लोगों ने दम तोड़ा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया। कोरोना से जंग के लिए पैसे जारी। फ्रांस ने कहा कोरोना की वजह से भारत को रफेल की सप्लाई नहीं रुकेगी, 36 रफेल जेट की डिलीवरी होगी। साउथ कोरिया के एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कार में बैठकर लोगों ने कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाया। नादेड़ में साधु की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तेलंगाना से पकड़ा गया आरोपी। 10 साल पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। 10 दिन पहले दर्ज हुआ था लड़की से छेड़छाड़ का मामला। साधु के मर्डर के बाद शव को कार में रखकर भागने की फिराक में था साईनाथ। अपने साथी की भी हत्या। नादेड़ में लिंगायत समुदाय के साधु थे रुद्र पशुपति महाराज। लिंगायत समाज के शख्स ने हत्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। कोविंद ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों के पालन की भी अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ईद की मुबारकबाद दी। सीएम ने लोगों से घर में रहकर नमाज पढ़ने और ईद मनाने की अपील की। पुरानी दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। मुंबई के शिवाजीनगर में ईद के मौके पर भीड़ को रोकने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती। आज जवानों ने इलाके में मार्च किया। श्रीनगर में ईद की खरीदारी करने पर भारी भीड़। लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर लोग। पुणे मुंबई हाईवे पर ऑटो और कार की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एक महिला की जान गई। कर्नाटक में आज तूफान के साथ भारी बारिश। सड़क के किनारे खड़े कई पेड़ उखड़।